अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां छात्रा ने सरकारी हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। छात्रा बांक टाड़ा की रहने वाली थी। इंदौर में तेजाजी नगर इलाके में सरकारी हॉस्टल में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक रात में हॉस्टल की अन्य छात्राओं ने उसे देखा और वार्डन को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक छात्रा का मोबाइल जब्त किया गया है, जिससे वह आखिरी समय में किसी लड़के से बात कर रही थी। फिलहाल उसे थाने बुलाकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस को हॉस्टल के कमरे से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। टीआई आरडी कानवा के मुताबिक घटना कन्या छात्रावास मिरोद की है। छात्रा यहां एकलव्य गुरुकुलम आवासीय विद्यालय में पढ़ाई करती थी। 16 वर्षीय सेवानी पिता रमल सिंह जमरे ने मंगलवार रात हॉस्टल की बाथरूम में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जब रात में उसे अन्य छात्राओं ने देखा तो हॉस्टल की वार्डन अलका ठाकुर को जानकारी दी। बाद में पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पिता रमल सिंह के मुताबिक शिवानी यहां करीब 5 साल पहले रहने आई थी। शिवानी पढ़ने में काफी होनहार थी। रमल सिंह के मुताबिक उनकी बड़ी बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, वहीं बेटा मुल्तान में नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है। रमल सिंह खुद सरकारी टीचर है। रमल सिंह के मुताबिक उन्हें बेटी की मौत के मामले में संदेह है। वहीं पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और स्थिति स्पष्ट की जाएगी। छात्रा शिवानी की मौत के बाद जांच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का एक दल बुधवार दोपहर कन्या छात्रावास पहुंचा। यहां उन्होंने वार्डन अलका ठाकुर से बातचीत की, साथ ही घटना स्थल भी देखा। अधिकारियों के मुताबिक छात्रा को किसी बीमारी से पीड़ित होने की बात भी सामने आई है, लेकिन जाँच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट। और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.